हेलो बच्चों, मैं सोनू जांगीर आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 3 हिंदी का पाठ 8, शिक्षा बड़ी या धन। तो बच्चों, ये एक कहानी है। इसमें इस कहानी के जरिए हम पढ़ेंगे कि शिक्षा बड़ी होती है या धन ज़्यादा जरूरी है। तो वो हम आज इस कहानी में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार खेल रहा था। एक राजा था, बहुत ही पावरफुल था, शक्तिशाली। वो शिकार खेलने जंगल में गया। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। अचानक से क्या हुआ कि बारिश का मौसम हो गया और बारिश स्टार्ट हो गई। सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। सूर्यास्त हो गया, शाम शाम ढल गई और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। उसके साथ में सिपाही भी गए थे। राजा के साथ में सिपाही गए थे साथ में, और वो अंधेरा होने के कारण, बारिश होने के कारण वो सिपाहियों से बिछड़ गए और अलग हो गए। भूख और प्यास, थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। उसे भूख लगने लगी और प्यास के मारे वो थक गया था और वो टीले पर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने वहां 3 बालकों को देखा। टीले पे बैठने के बाद में उसने क्या देखा कि 3 बच्चे जा रहे थे, वे अपने गांव की ओर जा रहे थे। तो उन्होंने राजा ने उन बच्चों को आवाज लगाई और कहा, सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ। क्या कहा राजा ने कि सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ। जब बालक वहां पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा, जब बालक उनके पास में गए राजा के, तो राजा ने पूछा उनसे कि क्या कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिलेगा, मैं बहुत भूखा प्यासा हूं। तो राजा ने उन बच्चों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या मुझे थोड़ा भोजन और पानी मिलेगा, प्यासा हूं। तो बालकों ने उत्तर दिया, क्या कहा बालकों ने कि अवश्य, हम घर जाकर अभी सब कुछ ले आते हैं। वे गांव की ओर भागे और तुरंत जल और भोजन ले आए। ठीक है बच्चों, तो क्या कहा बच्चों ने उत्तर दिया कि जरूर, क्यों नहीं। वो फटाफट से उनको हाँ करके और वो लेने चले गए, पानी और भोजन लेने चले गए। जब बच्चे उनके लिए खाना लेकर आए, फिर वो उसने राजा ने खाना खाया। फिर उसके बाद में राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, मतलब बहुत खुश हुआ। और वह बोला, प्यारे बच्चों, अब मुझे ये बताओ कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो। तुम सबकी सहायता करना चाहता हूँ। राजा ने जब बच्चों से कहा कि वो राजा बच्चों से बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे कहा कि अब तुम बताओ प्यारे बच्चों मुझे कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। 3 बच्चे थे, तीनों में से एक ने मांगा कि मुझे धन चाहिए। मैंने कभी भी 2 समय की रोटी नहीं खाई, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने, सुंदर वस्त्र यानी कपड़े उसने नहीं पहने, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए। तो पहले बच्चे ने क्या मांगा, धन मांगा। राजा मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। तो राजा ने क्या कहा, राजा ने पहले बच्चे से कहा कि मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर बैठकर खाओगे। यह शब्द सुनते ही बालक की खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना न रहना मतलब बहुत वो प्रसन्न हुआ। दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा। अब दूसरे ने क्या पूछा, दूसरे ने पूछा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे। तो वह उत्तर की प्रतीक्षा में सांसें रोककर खड़ा था।
वो सांसें रोक के खड़ा था, मतलब कि उसको लग रहा था कि क्या पता वो देंगे या नहीं देंगे। अगर फिर राजा ने कहा कि अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, ऐसे राजा ने कहा। फिर उस लड़के ने क्या कहा दूसरे ने कि धन्यवाद। राजा ने क्या कहा दूसरे बच्चे को कि ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। फिर उस लड़के ने क्या कहा कि धन्यवाद। उसकी आंखें चमकने लगी, मतलब वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। आज से मेरे घर में घी के दिए जलेंगे, वह बोला। दूसरा लड़का क्या बोला कि आज से मेरे घर में घी के दिए जलेंगे। घी के दिए जलाना मतलब बहुत कि वो खुशियां मनाना, कि वो अब उसके घर में खुशियां मनाई जाएगी। तीसरे बालक ने देखो क्या मांगा, तीसरे बालक ने चाहते हुए पूछा, मतलब मुस्कुराते हुए उसने पूछा कि क्या आप मेरा सपना भी पूरा करेंगे। राजा ने हंसते हुए बोला क्यों नहीं पूरा करेंगे, जब दोनों को उनकी इच्छा अनुसार उनको चीज दी है तो तुम्हारी भी क्यों मदद नहीं करूंगा। बोला हाँ क्यों नहीं महाराज, मुझे न धन चाहिए न बंगला, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं। तो तीसरे बच्चे ने क्या माँ क्या कहा कि मुझे ना पैसा चाहिए, ना मुझे बंगला चाहिए, ना मुझे कोई सुख सुविधा चाहिए, मुझे तो सिर्फ ऐसा ऐसा चाहिए आशीर्वाद आपका कि मैं पढ़ लिख कर अच्छा विद्वान बन सकूं। शिक्षा समाप्त होने पर मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। वो पढ़ लिख कर अपने देश की सेवा करना चाहता है, उसने कहा। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ, यानी कि वो बहुत अचंभा हुआ कि ये कैसे, दोनों ने तो अपनी सुख सुविधा के अनुसार मांगा, उसने एक ने धन मांगा, एक ने बंगला घोड़ा गाड़ी मांगा सुख सुविधा के लिए, तो तीसरे ने ऐसा क्या मांग लिया, उसने शिक्षा मांगी, आशीर्वाद मांगा। उसने उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। वह परिश्रमी बालक था, इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की, मतलब उसने क्या कहा कि मुझे तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं बड़ा होके विद्वान बन सकूं। तो और वो बालक भी बहुत परिश्रमी था, बहुत मेहनती था, और वो पढ़ लिख कर उसने पढ़ाई उसने शुरू कर दी, और वो बहुत बड़ा और प्रत्येक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। वो पढ़ लिख कर मतलब इतना उसने परिश्रम किया कि वो अपनी कक्षा में फर्स्ट आने लगा। जब उसकी शिक्षा समाप्त हुई तब राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री के पद पर नियुक्त कर लिया। तो जब उसकी पढ़ाई जब उसकी पूरी हो गई तो राजा ने उसको अपने मंत्री के पद पर उसको नियुक्त किया। वह विद्वान था, अतः राजा तब तथा नगरवासी सभी उसका सम्मान करते थे। जब वो पढ़ लिख कर बड़ा हुआ तो उसको राजा ने मंत्री के पद पर नियुक्त किया, और विद्वान था इसलिए सारे नगरवासी उसका बहुत सम्मान करते थे, बहुत आदर करते थे। दुर्भाग्य से जिस बालक ने धन मांगा था, पहले बालक ने धन मांगा था, तो वह बुद्धिमानी से काम नहीं ले सका। जब उसने धन मांगा पहले बच्चे ने, तो वो अपनी बुद्धि को काम में नहीं लेकर सारा धन उसने व्यापार में सारा धन डुबो दिया, मतलब कि सारा धन उसका व्यापार में डूब गया और वह फिर से निर्धन हो गया। अब बच्चों जब पैसा होगा तो पैसा भी आप कब तक खर्च कर सकते हो, कभी ना कभी तो उसका ओढ़ आता ही है, कभी ना कभी तो खत्म होंगी ना। तो ऐसे करके उसने सारा पैसा व्यापार में डुबो दिया। दूसरे बालक का बंगला और गाड़ी भी एक भूकंप में नष्ट हो गए। अब दूसरे बच्चे ने क्या मांगा था, दूसरे ने बंगला और घोड़ा गाड़ी मांगी थी, जो कि एक दिन बहुत भूकंप आया और उसके सारे उसके बंगला और गाड़ियां जो है नष्ट हो गई। एक दिन दोनों मित्र राज दरबार में अपने विद्वान मित्र से मिलने गए। तो दोनों एक दिन क्या किया दोनों ने कि वो जो तीसरा बच्चा था जो विद्वान बना था मंत्री के पद पे नियुक्त था, वो उससे अपने मित्र से मिलने के लिए
एक दिन दोनों मित्र राज दरबार में अपने विद्वान से मिलने गए। उन्होंने उनसे कहा, हम दोनों ने राजा से पुरस्कार मांगने में बड़ी भूल की है। अब दोनों क्या कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि हमने इस तरह का पुरस्कार मांगा, धन मांगा, घोड़ा गाड़ी मांगकर उसने बहुत गलती कर दी। तीसरे मित्र ने उन्हें समझाते हुए कहा कि धन सदा पास नहीं रहता, ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है। मतलब क्या है कि बच्चों की धन है कि पैसा है, पैसे रुपए पैसे जो है, लक्ष्मी जो है कि हमेशा कभी भी एक इंसान के पास में टिककर नहीं रहती। आज किसी के पास में है तो कल किसी के पास में है, तो वो चलती फिरती रहती है। और जो जीवन और जो ज्ञान है वो अपना है, ज्ञान कभी ज्ञान को कभी चुराया नहीं जा सकता। तो मनुष्य के जीवन भर काम क्या आता है? ज्ञान, उसे कोई भी चुरा नहीं सकता। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा बनाती है, धन नहीं। तो बच्चों शिक्षा जो है मनुष्य को विद्वान बनाती है, धन से कभी कोई इंसान बड़ा नहीं बनता। और विद्या को कोई चुरा नहीं सकता, धन को तो फिर भी चुरा सकते हैं। तो सबसे बड़ा धन क्या हुआ? शिक्षा। शिक्षा सबसे बड़ा धन हुआ। हमें भी पढ़ लिख कर, आपको भी पढ़ लिख कर विद्वान बनना चाहिए और शिक्षित होना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए शिक्षा को। ठीक है बच्चों, तो एक इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छी मेहनत करनी चाहिए, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं, शब्द बोध यानी कि शब्दार्थ। देखिए बच्चों, शक्तिशाली यानी बलवान, पावरफुल, व्याकुल यानी परेशान, प्रतीक्षा इंतजार करना यानी कि वेट करना, घी के दिए जलाना, इसमें आया था ना पाठ में, घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना, प्रबंध यानी इंतजाम अरेंजमेंट, दुर्भाग्य बुरा भाग्य, उत्साह उमंग, आशीर्वाद यानी आशीष लेना। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं, व्याकरण बोध, रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर नीचे लिखे वाक्य दोबारा लिखिए। रेखांकित यानी ये रेखा खींची हुई है, इन शब्दों के समानार्थी शब्द। अब जल का समानार्थी शब्द क्या हुआ? क्या कहते हैं जल को और पानी? तो यहाँ पे इसकी जगह पानी लिखकर इस वाक्य को दोबारा से लिखना है। जैसे जल का क्या हुआ? पानी। तो बच्चों पानी मैंने लिख दिया है, आपको लिखना है वे राजा के लिए पानी ले आए। इस तरीके से आपको ये वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं, राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अब प्रसन्न का समानार्थी शब्द क्या हुआ? खुश। राजा बहुत खुश हुआ, तो हम यहां लिखेंगे खुश। खुश, आपको क्या लिखना है? राजा बहुत खुश हुआ। देखिए आगे, मैंने सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द है वस्त्र, रेखा खींची हुई है इसके, तो हमें लिखना है वस्त्र को और क्या बोलते हैं? कपड़े। तो यहाँ लिखेंगे मैंने सुंदर कपड़े नहीं पहने हैं, तो क्या लिखेंगे? कपड़े। आपको ये वाक्य बनाने हैं। आगे देखिए, वह जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। अब यहाँ पे इसका समानार्थी शब्द लिखना है जवाब। जवाब को क्या कहेंगे? उत्तर। तो क्या कैसे लिखेंगे? वह उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे उत्तर। वे तीनों अच्छे मित्र थे। तो यहाँ पे समानार्थी शब्द इसका लिखना है, रेखांकित है ये, तो मित्र का क्या बोलते हैं हम? वो दोस्त। तो लिखेंगे वे तीनों अच्छे दोस्त थे। दोस्त, आगे पढ़ते हैं, नीचे लिखे शब्दों से बने शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। मतलब अभी हमने जो पाठ पढ़ा है उसमें से शब्द चुनकर हमें लिखने हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है उदाहरण के लिए थकान, तो किताब में जो कहानी में जो था वो शब्द हमें चुनकर लिखा थकावट। तो ऐसे ही आगे लिखना है प्यास।
प्यासा लिखेंगे हम यहाँ पे, प्यासा। आगे देखिए भाग्य, भाग्य का लिखा हुआ था दुर्भाग्य। तो हमने भाग्य का लिखा दुर्भाग्य। इसी तरीके से परिश्रम का लिखेंगे परिश्रमी। धन का लिखेंगे धनवान। बुद्धिमान का लिखेंगे विद्वान। तो बच्चों ये हमने पाठ में से चुनकर शब्द लिखे हैं, और इस कहानी को, ये कहानी आपको समझ में आई गई होगी कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।